नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ CGHS की तरफ से एक ऑर्डर आया है। ऑफिस में मेरेंडम है, 29 अप्रैल 2020 का ये ऑर्डर है। ये जो है रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ OPD मेडिसिन स्पेशल सेंशन इन व्यू ऑफ COVID-19 टिल 31 मई 2020। इसमें जो OPD मेडिसिन है उसके रीइंबर्समेंट के रिगार्डिंग है। COVID-19 को देखते हुए इसके डेट जो था 30 अप्रैल का जो लास्ट डेट था कि 30 अप्रैल तक आप जो भी आप मेडिकल प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक से ले रहे हैं उसको रीइंबर्स करा सकते हैं, उसको 31 मई तक कर दिया गया है। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया गया है जिसके कारण सभी लोगों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो CGHS डिस्पेंसरी जाके अपना दवा ले सके जिनका पहले से कोई बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर है। जैसा कि इसमें दे रखा है कि पहले जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था 27/3/2020 का, क्योंकि लॉकडाउन उस टाइम पे 14 अप्रैल तक के लिए था, तो उसमें बोला गया था कि 30 अप्रैल तक, उसमें दिया गया था कि 30 अप्रैल तक जो भी लोग पहले से किसी CGHS डिस्पेंसरीज का लिखा हुआ दवा ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट का दवा उनका चल रहा है, इन पैनल हॉस्पिटल का दवा है जो कि उनको लॉन्ग टाइम तक खाना होता है, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज हो जैसे कि शुगर का जो होता है, या वैसा जो भी हो कैंसर का पेशेंट हो, उनके दवाई लॉन्ग टर्म या कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं, सालों भर उनको दवा लेना होता है, तो वैसे में वो लोग अपना डिस्पेंसरी जाके और जो पुराने पर्चे हैं जो डॉक्टर ने उनको दवा बोला है कि आपको 1 साल खाना है, 6 महीना खाना है, तो अपना पर्चा दिखा के 1 महीने का दवा लेके आते थे और वो फिर वो उसको कंज्यूम करते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण जो लोग डिस्पेंसरी से जाके दवा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए पहले 27 मार्च 2020 को ऑर्डर आया था कि वो लोग कोई भी जो मेडिसिन है वो क्लिनिक से ले सकते हैं, जो भी डिस्पेंसरी है, और उसका बिल जो होगा वो डिस्पेंसरी से जाके क्लेम कर सकते हैं, रीइंबर्स कर सकते हैं। तो उसी का जो पहले 27 मार्च को जो ऑर्डर आया था उसमें बोला गया था कि 30 अप्रैल तक ये लागू रहेगा, लेकिन लॉकडाउन जो है वो 14 अप्रैल से फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, तो इसलिए इसका जो ड्यूरेशन था 30 अप्रैल को जो ख़त्म हो रहा था उसको बढ़ा के अभी जो नया ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग 31 मई कर दिया गया है। मतलब 31 मई तक दिया गया, 31 मई 2020 तक जो भी आपको दवा CGHS डिस्पेंसरी के से अलॉट हुआ था या जो कोई भी उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इम्पैनल हॉस्पिटल से जो बोला गया था आपको दवा कि इतने दिनों तक खाना है, वो आप दवा अपने नियरेस्ट जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ से भी ले सकते हैं और उसका बिल बाद में आप डिस्पेंसरी से क्लेम कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर है। तो जो लोग आपके जान पहचान में हो ऐसे पेशेंट जिनको डिस्पेंसरी से जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन से, तो उन सबको इन्फॉर्म करें या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि जो खासकर जो पेंशनर हैं, जो क्रोनिक डिजीज उनको हो रखा है ऑलरेडी, उनका लॉन्ग टर्म के लिए दवा चल रहा है लेकिन उसके कारण वो डिस्पेंसरी जा नहीं पा रहा है लॉकडाउन के कारण, तो उनको ये वीडियो या इसके बारे में बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।